हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सब टेस्ट में सॉल्व करेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, न्यूटन मीटर मात्रक है। तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों, ऊर्जा का होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है पारसेक भी होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का अधिवर्ष समय का मात्रक होता है, चंद्रमा समय का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, लूमेन किसका मात्रक है। तो लूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापते हैं, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि ऊर्जा होती है, और इसके अलावा भी अदिश राशियां होती हैं, जैसे द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, आयतन हुआ, कार्य हुआ, समय हुआ, आदि सब अदिश राशियां होती हैं। और अगला प्रश्न है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि है संवेग, आप लोगों को पता ही होगा। और सदिश राशियां होती हैं, जैसे वेग हुआ, विस्थापन हुआ, बल हुआ, त्वरण हुआ, आदि सब सदिश राशियां होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से, और गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम लगता है, तो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया होता है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसके कारण होता है। न्यूटन के किस नियम के कारण होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है, और प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल गुणनफल है। तभी पढ़े हैं बल बराबर या बराबर या में, तो द्रव्यमान गुणे वेग का। तो यही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, तो उसके शरीर में उपस्थित के शरीर में भार घट जाता है और मात्रा परिवर्तित रहता है। तो दूसरा बी वाला सही हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हाँ दोस्तों, यही सही है, सी वाला। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है दोस्तों। यही नियम, अगर समुद्री जहाज अगर नदी में आएगा तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल निम्न दाब के कारण तैरते हैं, पता ही होगा दोस्तों आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, और साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। और अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो हम दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, तो आंधी आंधी आने की संभावना होती है दोस्तों। तो सी वाला, यही क्रिया, अगर धीरे धीरे पारा अगर नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर बैरोमीटर और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है,
तो सूर्य की ऊर्जा नाभिक संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनोमो परिवर्तित करता है, तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी वाला सही हो जाएगा। और एक विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, जैसे घड़ी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा होती है, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा होती है, चलता हथौड़ा गतिज ऊर्जा होती है, और खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई टाइपिंग, तो कारण है दोस्तों तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय ऊपर पड़े हैं अभी, अपकेंद्रीय बल के कारण होते हैं। और अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है, तो यह केशिकात्व के कारण ही चढ़ता है दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, तो यह आर्क मिडीज के सिद्धांत से होता है, जो प्लवन का नियम होता है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाते अपने आयतन के बराबर, वह अपने आयतन के बराबर अगर हटाएगी तो वह नाव डूब जाएगी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, पहले इतना ही रहता है। और घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा अभी ऊपर पड़े हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाता है। और अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, तो डी वाला ही सही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो द्रव चालित यह पास्कल के नियम पर आधारित होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SSC में इस बार पूछा गया था क्वेश्चन। और हमारा अगला प्रश्न है कि बार्नौली का सिद्धांत किसके नियम का संरक्षक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा का। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, सही है दोस्तों। बल का मात्रक न्यूटन होता है, भी सही है। कार्य का मात्रक जूल होता है, भी सही है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है दोस्तों, चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, चारों ऑप्शन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ये भी सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सही है। और समुद्री मील नव संचालन में दूरी की इकाई, सही है। पास्कल आर्द्रता, यही गलत है, पास्कल दाब का मात्रक होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था SSC में,
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो यह 1971 ईस्वी में लागू हुई थी। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।